लुपजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर है जेएल 50 की टीम। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे हैं आप सब लोग वैसे? देखिए, अगर ठीक ना होते तो यहाँ होते ही ना, मतलब इस वक्त आपसे बात ना कर रहे होते। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जेएल 50 देखने के बाद आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स और आपके जो करीबी लोग हैं उनका क्या रिएक्शन रहा? सबके लिए ये क्वेश्चन। पंकज साहब बोलेंगे, पहले बड़े हैं वो। अच्छा, मैं बड़ा अच्छा, ठीक, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल में मतलब अच्छा ही रहा है भाई। जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं मुबारक देते हुए, कहा है कि बड़ा उनको बड़ा अच्छा लगा है, कहानी भी बड़ी अच्छी लगी, चलन भी बड़ा अच्छा लगा। इसको सीरीज कह रहे हैं आजकल वो लोग, सीरीज भी अच्छी लगी और सब लोगों का काम भी अच्छा लगा। और मतलब जनरली लोग इसीलिए मैसेज करते हैं, अमूमन लोग ये मैसेज नहीं करते हैं कि तुम्हारा काम बहुत खराब था, हम नहीं देखना चाहते थे फिर भी देखा, ऐसे अमूमन लोग नहीं कहते। तो it's been quite encouraging whoever has sent a message to us. Okay. बिल्कुल, यहाँ पर भी यही हाल है, मतलब हर जगह पसंद आया लोगों को, बहुत पसंद आया। कई लोगों ने कहा कि जो है मतलब आपका ऐसा यूनिक सीरियल, ऐसी यूनिक सीरीज आज तक नहीं बनी। और जैसे कि पंकज साहब ने कहा कि बेसिकली इट वाज अ फिल्म एंड देन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज, तो मुझे लग रहा था कि सीरीज में तब्दील होने से कहीं इसके मतलब क्वालिटी पर कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहुत लोगों ने पसंद किया, अधिकतर क्या मतलब सबने पसंद किया, एक्सेप्ट फॉर सम क्रिटिक्स, प्रीव्यूज वाले कुछ एक जो थे उन लोगों ने जरूर जो है थोड़ा धोया था इसको। शैलेंद्र, आपको कैसा रिस्पांस मिला? मेरे को रिस्पांस एक्चुअली बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मैं ज्यादा ऑनलाइन जाता नहीं हूँ, मैं ज्यादा इंटरनेट पे होता नहीं हूँ, लेकिन जो भी फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, परिवार से जो भी फोन आ रहे हैं, इट्स प्रीटी एनकरेजिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड, अच्छे हैं, इट्स गुड। रितिका, आपको तो दोनों साइड से बधाई आ रही होंगी, प्रोड्यूसर भी हैं आप और एक्ट्रेस भी हैं, तो आपको कैसा, क्या बोला आपके फ्रेंड्स ने? फ्रेंड्स फैमिली को तो पसंद आ ही रही है और तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो जनता से रिस्पांस आ रहा है उसके बारे में मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का रिस्पांस आएगा। वो कह रहे हैं प्लीज हमें ऐसा कंटेंट और लाके दे, हम ऐसा देखना चाहते हैं, तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रही है। तो यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, जब ये जेएल 50 बनाने की बात चल रही थी, डायरेक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो आपने सोचा था कि आप पंकज जी को, पीयूष जी को या अभय को मतलब आप इसमें कास्ट करेंगे? जी, जब मेरी कहानी कंप्लीट हो गई, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, तो ये चार नाम ही मेरे दिमाग में आए थे। और मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पंकज सर, पीयूष सर, अभय, रितिका ऐसे यू नो टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। बिकॉज बड़ा एनलाइटमेंट, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ क्योंकि बहुत ड्रीम था। पंकज सर तो मेरी मदर के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स थे, और पीयूष जी तो मेरे भाई हैं, मुझे बहुत मदद करी उन्होंने थ्रू आउट दिस प्रोसेस। आई थिंक ये चारों चार पिलर्स हैं, और उनसे एक भी अगर पिलर गिरा देंगे तो ये जेएल 50 की इमारत गिर जाएगी। तो मैं तो आई फील वेरी वेरी लकी, तो शुरू से ये चार दिमाग में थे। जी, क्या रिएक्शन? थोड़ा डरा हुआ, मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज चारों बहुत स्क्रिप्ट ओरिएंटेड हैं, जब तक कहानी पसंद नहीं आती, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, तो वो उस चीज को हाँ नहीं करते हैं। तो वो डर था कि जब स्क्रिप्ट भेजूंगा तो रिस्पांस क्या होने वाला है। तो काफी कॉन्फिडेंस आया जब चारों जगह से हाँ हो गया, एंड यू नो इट फेल्ट रियली नाइस, एंड देन द होल प्रोसेस यू नो ऑफ फिल्मिंग इट, इट वाज जस्ट वेरी वेरी एनलाइटनिंग, वेरी वेरी नाइस। यस पंकज जी, आपको तो सब जानते हैं, ऑफिस मेरा और मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट शो था वो, मतलब उससे तो एक मतलब एक फिगर बन गई थी कि सरकारी ऑफिस में जाओगे तो यही होगा। एक मतलब एक बार हुआ भी था, मैं गई थी और उन्होंने बोला कल आना, और मेरे दिमाग में पहली चीज बस आपकी पिक्चर आई कि हाँ वहाँ भी ऐसे ही होता था। तो उस टाइम पे भी आप टीवी सीरीज में आते थे, टीवी सीरियल्स में, और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है जेएल 50, तो तब में और अब में कुछ डिफरेंस आया है मतलब वर्क एनवायरमेंट में वहाँ? आई थिंक जेएल 50 वाज मोर शॉट लाइक अ फिल्म, तो हम लोग
क्योंकि शुरू में स्क्रिप्ट जो था वो फिल्म के तहत ही था और हम लोगों ने जब तक इसका काम खत्म नहीं कर लिया इसको फिल्म की तरह ही बनाया गया, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने इसे खरीदा या जिन लोगों जो लोग इसमें पैसे लगा रहे थे उन्हें महसूस हुआ कि शायद इसकी बहुत अच्छी वेब सीरीज बन सकती है जो आज के दौर के लिए आज के मौसम के लिए शायद बहुत सही रहेगी, तो उन्होंने फैसला किया डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहबा के की इजाजत के साथ कि भाई इसको वेब सीरीज बना दिया जाए और इस तरह से वेब सीरीज बनी। हाँ, आपका सवाल मुनासिब है कि मैं पहले टेलीविजन में काफी अरसा मैंने काम किया, 10-15 साल लगातार टेलीविजन ही किया है ज्यादा, और फिर उसके बाद पिछले 10-15 साल से सिर्फ फिल्में ही कर रहा हूँ, तो ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है मेरे लिए। और कई लोगों ने पूछा कैसा लगा आपको OTT क्या प्लेटफॉर्म है OTT हाँ OTT प्लेटफॉर्म पे आना, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो इट्स एन एक्सीडेंटल एंट्री इनटू दिस, क्योंकि की तो फिल्म थी लेकिन वेब सीरीज के तहत रिलीज हुई है। लेकिन मुबारक है, मेरे लिए ज्यादा अहम बात यह है कि जो भी काम आप करते हैं वो जनता तक पहुंचना चाहिए, किस माध्यम से पहुंचता है ये बहुत जरूरी नहीं है, काम अच्छा हो और जनता तक पहुंचे और वो उसको अपनाएं और सराहें, ये ज्यादा अहम है। बाकी चीजें तो आई गई हैं, मीडियम्स आए गए हैं, आज ये नया मीडियम बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ तरह से सामने आया है, बताओ टेलीविजन तो था ही आज से 20-25 साल पहले, अभी भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह की सीरीज अब बन रही है, जिस तरह की तवज्जो उसकी तरफ दी जा रही है, उसकी कहानी पे भी, कास्टिंग पे भी, प्रेजेंटेशन पे भी, आई थिंक जैसे हम आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जाती प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं अब, जहाँ पे हम इन चीजों को जब हमारा वक्त हमारे पास हो उस वक्त हम उसको देख सकें, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मीडियम। शायद इसकी नब्ज तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, या शायद पहुंचते पहुंचते ही पहुंचेंगे, या शायद हमारे बाद की जनरेशन पहुंचे वहां पे, मगर बहरहाल इसकी शुरुआत बहुत मुबारक है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भले एक्सीडेंटल रही हो, इसके अंदर मेरा दाखला जो है वो JL50 और शैल की वो फिल्म जिसको सीरियल बना दिया गया उसके तहत हुआ है, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शैल और मुझे लगता है कि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लिखता भी है और बहुत अच्छा सोचता भी है और बहुत मेहनत भी करता है, तो इस तरह के लोग जरा थोड़े कम मिलते हैं, तो ये मुझे मिला तो अच्छा लगा। और आपके सवाल से एक थोड़ा सा बियॉन्ड, एक हल्का सा मैं ये जरूर ऐड कर दूं कि मेरा ख्याल है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसको अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छा काम शैलेंद्र व्यास के नाम से हमारे सामने आएगा। पीयूष जी, आपका जो रोल है एक मैड साइंटिस्ट का, उसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी की आपने? अरे नहीं, जो एक्टिंग में करता हूँ, जो ऑर्डिनरी जो और रोल्स होते हैं उसमें जो अप्रोच होती है वही अप्रोच थी, मतलब हर रोल के बाद लोग आगे समझते हैं, यही पूछते हैं कि ये रोल तैयार करने में आपने कुछ खास तरह की तैयारी की थी क्या? तो एक्टिंग को लेकर जो जनरल अप्रोच है मेरी, जिस तरह से मैं बैकग्राउंड प्रिपेयर करता हूँ इमेजिनेटिव, ऐसे ही मैंने इसके लिए भी किया, इसके लिए कोई अलग से कोई चीज नहीं, अलग से ये था कि मेरे को यूनिकनेस ऑफ द स्क्रिप्ट और यूनिकनेस ऑफ द डायरेक्टर एज ए पर्सन शैल मुझे बड़ा पसंद आया, एज ए डायरेक्टर बहुत पसंद आया, ये पूरी तरीके से आपके इट इज हिज बेबी, ये पूरी तरीके से एक्चुअली ही हैज क्रिएटेड जेएल 50, ना केवल लिखा है ना केवल डायरेक्ट किया है, बल्कि ही हैज क्रिएटेड जेएल 50 वाज सो क्लियर इन हिज माइंड कि इसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक्टर्स ने बस कंट्रीब्यूशन कर दिया, जो जो उसने कहा कि आपको एक्टिंग करनी है हमने वैसा वैसा कंट्रीब्यूशन कर दिया, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली हिज बेबी। और ये पंकज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर इसने ढंग से कदम उठाया, और उठाएगा ही, मुझे यकीन है उठाएगा ही, तो मेरे ख्याल से जिसने भी देखी है जेल 50 वो कह सकते हैं कि इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में यूनिक फिल्म, और वो भी हर बंदे के लिए, जब साइंस फिक्शन होता है या टाइम ट्रेवल जैसे की बात होती है तो हम स्पेसशिप की और मशीन्स वगैरह हो रही है और खूब लाइट जल बुझ रही है और ऐसी ऐसी ऐसे विजुलाइज करते हैं, जबकि इट्स अ ह्यूमन स्क्रिप्ट, मतलब एक इंसान के तौर पर हिंदुस्तान में कैसे बने, हिंदुस्तान में एक सीरीज बन रही है जिसका नाम है जेल 50 जो टाइम ट्रेवल पर है, हिंदुस्तान कमर्शियल ऑडियंस के लिए, कमर्शियल बंदों को पसंद आने वाली चीज, पसंद आने वाला एलिमेंट जो है, जो कमर्शियल एलिमेंट है, पसंद आने वाला एलिमेंट, उस पर पूरा ध्यान रखा है लिखते हुए भी और इसको डायरेक्ट करते हुए। अच्छा, अब अगर मैं पीयूष जी और पंकज जी को साथ में देख रही हूँ ना, तो मुझे एक मूवी याद आ रही है, वो है मकबूल, उसका एक मतलब सीन है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं ऐसे पूछ पाऊंगी वो कभी, तो उसमें एक सीन है जिसमें ना गुड्डू को मॉरिशस भेजने की बात हो रही होती है, बहुत ही गजब का सीन, मतलब उसके पीछे की मुझे स्टोरी जाननी है कि कैसे शूट हुआ, कोई मेमोरी हो उस टाइम की।
उस सीन यार वो जब हम मकबूल के ऊपर बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। आज आज मौका मिल गया है। नहीं नहीं आज मौका मिला है तो नहीं मेरे कोई भी मतलब उसका हाँ नहीं बहुत वेरी स्वीट ऑफ यू बहुत अच्छी बात है कि आप ये पूछ रही हैं लेकिन वो आज से 15-16 साल पहले का माहौल था वो वक्त था विशाल भारद्वाज साहब थे वो एक अच्छे डायरेक्टर अच्छे राइटर उनके साथ हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला और बड़ा बड़ी अच्छी हमारी कास्ट वगैरह थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें GL50 की ज्यादा बात करनी चाहिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मैं और पीयूष इकट्ठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे आप जो सवाल करना चाहेंगे उसके बारे में कीजिएगा हम तफसील से डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे लेकिन मौजूदा हालात में मुझे ऐसा लगता है कि आप GL50 के बारे में बात करें तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है तो GL50 पे आते हैं वहाँ आपने एक फिजिक्स के प्रोफेसर का रोल प्ले किया है आपको स्कूल में फिजिक्स पसंद थी? जी पहले तो मैं फेल होता था उसके बाद मुझे एक प्रोफेसर मिल गए थे प्रोफेसर तनेजा मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा उन्होंने इतना अच्छा मुझे पढ़ाया कुछ महीनों के लिए कि उसके बाद मैंने अपने उस जमाने में उस ईयर में आई टॉप्ड इन फिजिक्स इन माय क्लास तो लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका था मगर फिजिक्स ऐसे ही था कि आई और गई मतलब हमारे लिए हम थोड़े आर्टिस्टिक बेंट के लोग थे तो उस तरफ लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मुझे फिजिक्स से प्रोफेसर करने का मौका मिलेगा और शैल मुझे समझाएगा कि टाइम ट्रेवल क्या होता है तो जिस तरह से हमने फिल्म के अंदर उसकी डिटेलिंग की है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शैल का है बिकॉज मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं इससे कह रहा था क्यों क्या ये कैसे हो सकता है तो इसने मुझे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताई कि ये दरअसल चीज यूं है और फिर हमने जिस तरह से इसने मुझे बताई मैंने उसको अपने परफॉर्मेंस में इससे कहा कि मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा और फिर हम लोगों ने उसको पेपर लेके जिस तरह से पेंसिल और पेपर के साथ वो सारा बयान टाइम ट्रेवल का किया गया है तो वो कहीं ना कहीं शैल हैड एक्सप्लेन टू मी कि दिस इज हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड इट एज एन एक्टर आई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हिम उसको कोशिश की कि हम इसको ऑथेंटिकेट करके अपनी ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश करें। ओके लतिका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पर सबके साथ काम करने का सबकी कोई भी एक ऐसी आदत हो जो आपको बड़ी यूनिक सी लगी हो? एक्चुअली पीयूष जी के साथ तो मैंने पहले काम किया है एक फिल्म है पालकी जिसके बारे में हम शो शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा कंफर्ट था और मैं उस फिल्म से उनसे कुछ ना कुछ ना कुछ लेती जा रही हूँ सेट पे यू नो आई हैव बीन टेकिंग बैक पंकज जी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ एंड मुझे कभी लाइक ग्रोइंग अप सीइंग हिज वर्क मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता दैट मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया उनके साथ लेकिन बहुत बहुत सीखने को मिला जिस लेवल तक वो अपने कैरेक्टर में यू नो बिफोर हैंड इतनी प्रेपरेशन करते हैं समटाइम्स आप अपने आप को एज एन एक्टर क्वेश्चन करने लग जाते हो कि कहीं यू नो वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट लेकिन सो यस सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा लिया अभय से भी अभय की कुछ फिल्में मैंने देखी हैं कुछ नहीं देखी लेकिन जो भी फिल्में देखी हैं एक चीज मेरे को एक्चुअली सिमिलैरिटी बहुत लगती है मेरे और अभय की परफॉर्मेंस बहुत इजीली एक बहुत नेचुरल तरीके से अपने ही दायरे के अंदर रह के वो परफॉर्म करते हैं तो उसमें मुझे कुछ टिप्स बहुत मिले सो यस आई हैव टेकन समथिंग फ्रॉम एवरीवन And I will take that in my journey forward as an actor, definitely. वो तो मैं लेके ही जाऊंगी. Other than that experience as an actor, I'm very blessed कि मुझे शैल जैसे director मिले, शैलेंद्र जैसे, because produce क्योंकि मैं producer थी और इस film में काफी हद तक first phase में बहुत ज़्यादा issues थे financial ये वो. तो उनके सीन्स के बीच में जब उन चीजों को करना पड़ता था पैसे अरेंज करने पड़ते थे नेक्स्ट डे की शूट के लिए बिना शैल की जिस तरीके से उसने मुझे प्रिपेयर किया था रोल के लिए बीहू घोष के रोल के लिए वो अगर नहीं होता तो मैं ऐसे एक्टर्स के बीच में शायद खड़ी नहीं हो पाती अपने कैरेक्टर को अपने शोल्डर पे नहीं लेके जा पाती तो उस चीज का बहुत ज्यादा यू नो आई थिंक आई लक्ड आउट विद इट और मुझे एक्चुअली सारे एक्टर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया ऐसी बात नहीं है यू नो विद एक्टर्स लाइक दिस यू कैन गेट इंटिमिडेटेड लेकिन ऐसा नहीं है सबने कंफर्टेबल किया क्योंकि सबके मुकाबले मैं नहीं थी आई एम न्यू
right? So I'm very blessed like that. Experience was brilliant. Screens पे share करने का experience तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो सीखने को मुझे मिला, जो मैं अपने साथ आगे अपनी journey में लेके जा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा grateful हूँ. Usually जब आपने script पढ़ी, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको एकदम मतलब you know एक तरह से आकर्षित किया कि हाँ ये movie मैं करना चाहूँगा? मैंने बोला ना यूनिकनेस ऑफ द स्क्रिप्ट एंड यूनिकनेस ऑफ द डायरेक्टर. इसके पहले डशेल के साथ में मैं एक पिक्चर कर चुका हूँ, जैसे रितिका बोली ना, दो साल पहले इसके मतलब 2015 में मैंने वो फिल्म की थी पाल की, वो भी शैल ने डायरेक्ट की थी, ब्रैड ने शूट की थी जो उसका फोटोग्राफर था, और मैं और रितिका उसमें काम कर रहे थे. तो शैल से परिचय पुराना है, इससे रैप बन गया था. फिर मैं कैलगरी गया था इनके यहाँ पर उसका क्लाइमेक्स शूट करने के लिए कैनेडा, वहां रहे 15-1 दिन रहे वहां पर रहे. वहां पर इसने बतलाया था कि वो पहले बतला चुका था शूट करते हुए कि मैं एक और फिल्म लिख रहा हूँ और आप देखेगा. वहां पर इसके काम देखा, फिर जो है मैं वापस आ गया. उसके बाद में ये मतलब मैं हिंदुस्तान में इस तरह की स्क्रिप्ट जो है होना बहुत ही मुश्किल है, इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ में लिखना, और इतना ह्यूमन राइटिंग मतलब बिल्कुल हर आदमी रिलेट करेगा उससे. मैं कहीं इस पिक्चर को देखकर कहीं भी खौफ नहीं होता कि यार साइंस फिक्शन है या टाइम ट्रेवल है, दर्जा उससे इसको देखकर मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फीलिंग आती है कि इतनी सरल पिक्चर देख रहे हो, ये समझ में आएगी, चिंता मत करो समझ में आएगी आराम से, माँ बहन बेटी बहू बच्चे बूढ़े जवान सबको समझ में आएगी. तो ये पिक्चर ये एश्योरेंस देती है कि मतलब इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आती है. और यही मेरे ख्याल से डेफिनेशन होती है कमर्शियल पिक्चर की. कमर्शियल पिक्चर वही होती है जो हर बंदा एक्सेप्ट करता है, हर बंदा एक्सेप्ट करता है, उसके हिसाब से टिकट बिकते हैं. तो कमर्शियल सही मायने में अच्छी कमर्शियल फिल्म, अर्थपूर्ण फिल्म, और जिसमें कोई बदतमीजी गंदगी ओवर वायलेंट नहीं है, ओवरली सेक्सुअल नहीं है, हर चीज कंट्रोल में है, ऐसी बढ़िया पिक्चर क्यों नहीं चलेगी और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट क्यों नहीं चलेगी? तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इट इज हिज बेबी, ये उसकी बेबी है शैलेंद्र व्यास की, इट इज हिज क्रिएशन, और हम लोगों ने भी इसमें खूब कॉन्ट्रीब्यूट किया मजे से. ओके, आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं? और मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे ये पिक्चरें देखने बड़ा मजा आता है, और मुझे जो आसानी से पिक्चरें समझ आती है वो देखता हूँ, अदरवाइज मैं बंद कर देता हूँ. मेरा आईक्यू इतना ही है और मुझे गर्व है मुझे अपने आईक्यू पर कि मैं मजा लेता हूँ जो चीज मजा ले. मुझे वेलकम बड़ी अच्छी लगती है, वेलकम नाम की पिक्चर अनिल कपूर राणा पाटेकर की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है. साथ में मुझे मैंने आपके मेघे डाके तारा भी देखी है, हाँ मेघे डाके तारा भी देखी है, वो भी आपके मृत्यु घटक की मुझे बड़ी अच्छी लगती है. तो ये आप विजय आनंद साहब की सारी फिल्म अच्छी लगती है. जॉनी मेरा नाम तो मैं अल्टीमेट पिक्चर है, जॉनी मेरा नाम तो मतलब क्या पिक्चर है, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, तेरे घर के सामने, गाइड, ये सब बहुत खूबसूरत पिक्चर है. क्यों? क्योंकि खूब सारे गाने हैं इसमें, अच्छी पहली बात तो है कि खूब सारे सुमधुर गाने हैं इसमें, खूब बढ़िया परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस जोर नहीं मारते. ये जो कला फिल्मों का फेज आया था 80s में, जो है 8 फिल्में आई थी, वो मैं उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया. क्यों बना रहे हो यार, क्यों किसके लिए बना रहे हो? बंदे देख रहे हैं, बंदों को मजा तो आया, मतलब क्यों क्लास फिल्म और मास फिल्म का बाइफरकेशन क्यों हो? ऐसी पिक्चरें जो मास को पसंद आती हैं, जिसमें गंदगी नहीं, खास बात यह कि जो बदतमीजी नहीं हो, गंदगी नहीं हो, और मास को पसंद आए, अच्छा अर्थपूर्ण कॉन्टेंट हो. फॉर एग्जाम्पल राजू रानी की सारी पिक्चरें जो है, सारी पांचों की पांचों पिक्चर है उसकी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया कमर्शियली वायबल और देखने लायक पिक्चर है. उसी कैटेगरी में मैं जेल 50 को देखता हूँ. तो साइंस फिक्शन वगैरह मुझे, मैं तो भाई साफ सी बात है कि मेरे तो गले नहीं उतरती, तो मैं देखता हूँ. पंकज जी, आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी पसंद है? आई लव इंटरस्टेलर. वो एक अलग लहजे की फिल्म है, जैसे पीयूष कह रहे हैं, जो खासियत इस स्क्रिप्ट का था ना कि हम टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने सादे लहजे में, इतनी सादे तरीके से, और जैसे रोजमर्रा की जिंदगी होती है, बहुत ही रियल तरीके से, येट विद अ सेंस ऑफ सस्पेंस के क्या वाकई ये है, क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्या हुआ था, ये इन सब चीजों को रखते हुए एक बहुत सादा लहजे में कही गई ये कहानी है. और मुझे इसकी जो सादगी है, इसका जो रियलिज्म है, या कह लीजिए कोई पॉस्चरिंग नहीं है स्क्रिप्ट के लेवल के ऊपर या कहानी कहने के लेवल के ऊपर, वो चीज़ मुझे बेहद पसंद आई थी. और
जिसकी वजह से मैंने इस फिल्म में काम करना जो है एक्सेप्ट किया। शैलेंद्र और रितिका, आपकी कोई पसंदीदा साईफाई मूवी? चल तुम पहले बोलो। मेरी मिस्टर इंडिया। ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, काफी अनएक्सपेक्टेड आंसर था। यस, नहीं बट सच में मेरे को बेस्ट लगती है। मैं इंग्लिश फिल्में कम देखता हूँ, ऐसा नहीं दिखता, कभी कभी देख लेता हूँ। इन जनरल फिल्में कम देखता हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू नॉट गेट इंस्पायर्ड। ऑल्दो इंस्पायर तो आप जिंदगी से होते ही हैं, जो भी आपके जीवन में होता है, राइट? लेकिन फिल्मों से थोड़ा खुद लिखने में मजा आता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो ट्राई टू गेट समथिंग न्यू। अगर कुछ नया करना है तो अपने आप को खोदने में मजा आता है, थोड़ा फोकस करने में मजा आता है। अब रितिका, आपकी चांस है। मुझे तो सारी साईफाई फिल्में पसंद आती हैं। टाइम ट्रैवल, एक्चुअली मुझे टाइम ट्रैवल ही सबसे बेस्ट लगता है फिल्मों में देखना। टाइम ट्रैवलर्स, द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ मेरी फेवरेट फिल्म है, एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। इमोशनल टाइम ट्रैवल पे है, एक टाइम ट्रैवलर की जिसके कंट्रोल में नहीं है अपना टाइम ट्रैवल, उसकी वाइफ की नजरों से वो कहानी दिखाई गई है। मिडनाइट इन पेरिस is one of my other favorites. Lost जो TV series है वो मैंने तकरीबन मतलब पूरा 7 seasons मैंने 3 या 4 बार देख लिया है। So मुझे तो सारी sci-fi पसंद आती है और मैं सिर्फ sci-fi ही देखती हूँ, मैं और कुछ देखती ही नहीं। So yeah. Okay. So अब जाते जाते एक last question का और answer। आप सभी लोग इतने creative हैं, तो आपने lockdown में अपना time कैसे spend किया? Start करते हैं पंकज जी से। Creatively. क्या क्रिएटिविटी? मैंने कुछ लिखा पढ़ा यार, कुछ सोचा है ना, कुछ ख्याल नए उभरे, कुछ लिखावट हुई और कुछ सुकून हासिल करने की कोशिश की गई, जो भी मेरा ख्याल है क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। टू बी एबल टू बी एट पीस विद योरसेल्फ, टू बी एबल टू से दैट ओके दिस इज द एनवायरनमेंट इन विच वी आर, हाउ टू बाय पीस विद इट, हाउ टू बी कंफर्टेबल इन इट एंड एड्रेस लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी के बारे में सोचा जाए, जिंदगी को जिया जाए। और उसमें जो कोई वक्त आपको, चूंकि आप घर के अंदर बंद हैं तकरीबन सारा वक्त, तो आप थोड़ा बहुत लिखने में दखल रखते हैं, थोड़ा बहुत सोचने में दखल रखते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा तराशने की कोशिश की गई। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कोई एक्सेसिव राइटिंग है, कोई एक्सेसिव बहुत रोज मैं कुछ 15 पन्ने लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन दिमाग ने ये कहा कि अच्छा भी अगर यूं हालात हैं तो इसमें इस तरह से कुछ करने की कोशिश की जाए, ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, बहुत ही मामूली लेवल के ऊपर। मैंने तो अपना वक्त इस तरह से सर्व किया। पीयूष जी, आपने? दो बातें बोलूंगा। एक तो पहला महीना तो बहुत खराब रहा, पहला महीना तो मुझे बहुत डिप्रेशन रहा और बहुत गंदे गंदे ख्याल भी आ गए थे। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब क्यों है जिंदगी, क्या है जिंदगी, ये वो करके। उसके बाद में जो है मैंने संभाला अपने आप को। उसके बाद में पहली चीज तो जो है, अब हमें बाई की जरूरत नहीं, अब हमें घर में काम करने वाले की जरूरत नहीं है, अब हम लोग काम करना सीख गए। इतना काम कर चुका हूं मैं घर में, मतलब कुत्ते को टहलाने से लेकर जो है आपके सुबह बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये सुबह से लेकर शाम तक कैसे वक्त जाता है इसमें मैं खुद सोच नहीं पाता। और मैं काम ले लेता हूँ जबरदस्ती, कि मैं अपनी बीवी से, प्रिया से काम ले लेता हूँ कि यार मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, और मुझे मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा है। तो अब जो है हमें काम करने वाले की जरूरत ना, बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। हम ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं कि उसे लेंगे नहीं, मतलब हमारी ड्यूटी बनती है उसके लिए, लेकिन अभी हमें एक्चुअली जरूरत ना उसकी, ना जो है झाड़ू बुहारी करने वाली। दूसरी बात यह है कि मैं विपश्यना करता हूँ 10 साल से। मैं विपश्यना के कुछ ऐसे लेवल्स पर पहुंच गया इस लॉकडाउन करते 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 करते, जो मैं पिछले 10 साल से नहीं पहुंच पा रहा था। आइसोलेशन में मैं विपश्यना के कुछ ऐसे ध्यान के कुछ ऐसे पहलुओं पर पहुंच गया जो कि मैं 10 साल से नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था दिमाग कहीं ना कहीं खंडित हो जाया करता था, कि यार कहां दिमाग, वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया। इसमें जो है दिमाग बंद गया। आज भी मैं करीब 2 घंटे विपश्यना करके चुका हूं, और अगर अभी बात आपसे बात नहीं हो रही होती तो मैं विपश्यना करता है ना। तो ये जो है विपश्यना करने की वजह से जो है मेरी राइटिंग अब कहीं जाकर तीखी हो चुकी है। अब मैं बहुत लिख रहा हूँ। और पहले एक महीना कुछ नहीं लिखा, मतलब लिखने की कोशिश की लेकिन दिमाग में तनाव आ गया, मतलब क्या क्यों जी रहे हैं, ये मतलब बड़ा अजीब सा सवाल आ गया था, क्योंकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। देखिए डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन, इसमें
आपके माथे पर पिस्तौल लगा के अगर कहा जाए कि आप बाहर नहीं निकल सकते इसमें और एक्चुअली आइसोलेशन वाला फर्क होता है. आइसोलेशन में मतलब आइसोलेशन में आप फ्री महसूस करते हैं बट यू आर नॉट अ फ्री बर्ड, यू आर नॉट अ फ्री बर्ड इन सच अ सिचुएशन. तो उसमें दो चीजें मेरे को आपके बहुत शेयर करना चाहूंगा कि मैं तो घर का काम करना सीख गया. दूसरे जो है मैं ध्यान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं उपलब्धियां कह सकता हूँ. ध्यान में बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं अचीवमेंट्स कह सकता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. टेल मी. हाँ सर. नहीं मैंने तो थोड़ा बहुत एडिट का काम किया धीरे धीरे. हम इस फिल्म का एडिट भी कर रहे थे बस थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और गाने बहुत गाए मैंने. सो दैट वाज नाइस. पर लाइक आई सेड दिस एडिट इंट्रोस्पेक्शन एंड सॉन्ग्स दैट्स ऑल नॉट मच. यस रितिका आपने क्या किया? मैंने एक्चुअली पोएट्री लिखनी शुरू करी. मैंने पोएट्री सीखी और जैसे पीयूष जी बोल रहे थे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट मेरा भी है पिछले 4 सालों से और उसमें एडवांसमेंट मैंने काफ़ी करी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम इंटरनल यू नो इंटरनल जाने का एंड मेडिटेशन करने का ज़्यादा समय मिला मुझे. तो एक तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मैंने महसूस करी काफ़ी और जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ अभी मेरी लाइफ में न्यू है जो मैंने नई क्रिएटिव चीज़ सीखी है वो पोइट्री है. So, उस पे मैंने अपना समय बिताया. अभी भी सीख रही हूँ. So nice. So, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी हमारी बात सुन के मजा आएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.